समालखा की सत्ता। समालखा विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार ने कर दी रविंद्र मछरोली की बल्ले बल्ले। सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार मनमोहन बड़ाना और रविंद्र मछरोली में होगा महामुकाबला। सट्टा बाजार में समालखा को लेकर एकदम बदले भाव और कैंडिडेट। अब समालखा विधानसभा में सट्टा बाजार में रेट बराबर चल रहे हैं। रविंद्र मछरोली और मनमोहन बड़ाना दो दिन से जाट समाज के मिले एक तरफा समर्थन की वजह से रविंद्र मछरोली पर सबसे ज्यादा सट्टा लग रहा है। सट्टा बाजार में रविंद्र मछरोली और मनमोहन बड़ाना के भाव बराबर नजर आ रहे हैं। मछरोली फेवरेट में है। कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छोकर को तो भाव ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब दो दिन से सट्टा बाजार में धर्म सिंह छोकर का जिक्र ही नहीं हुआ। टोरियो ने धर्म सिंह छोकर को रिजेक्ट कर दिया है। सट्टा बाजार में वो फिसड्डी साबित नजर आ रहे हैं। उनके नाम की आवाज ही अब बंद हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। आज हम बात करेंगे समालखा विधानसभा के ताजा रुझान और समीकरण के बारे में। पॉलिटिकल रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि समालखा विधानसभा सीट को लेकर भारत के तीन बड़े सट्टा बाजार जिनमें फलोदी, दमावली और बॉम्बे में आखिर रुझान क्या है। उससे पहले मेरे दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को वो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। देश की हर मार्केट की नजर मुंबई शेयर मार्केट फलोदी, दमावली के ऊपर गड़ी रहती है और माना जाता है यहाँ का सट्टा बाजार देश की राजनीति में एक गहरा प्रभाव करता है और समीकरण भी बताता है। आपको बता दें कि यहाँ के करीब 500 से ज्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। यहाँ के सट्टा बाजार में क्या चल रहा है इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। लेकिन लोगों की उत्सुकता अभी ये भी है कि सरकार किसकी बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने हलचल मचा दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का सुरूर अपने सवाब पर है। हरियाणा की 90 सीट वाले इस राज्य में जीत हार की बाजी लगनी शुरू हो चुकी है। चुनाव के परिणाम बेशक 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन सट्टा बाजार में पैसे लगाने का रिस्क लेकर लोग भविष्य पर अपना दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फलोदी, डबावली और मुंबई के सट्टा बाजार का मामला काफी गर्म नजर आ रहा है। इस बार कांग्रेस जीत रही है या भाजपा, इसका अनुमान भी लगाना शुरू हो चुका है। हार जीत को लेकर अगर कहीं सट्टा सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है तो वो फलोदी का है। जनता के मन में क्या है ये जानना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि स्टोर या अनुमान और ये लोग सट्टा कैसे लगाते हैं और जानकारियां कहां से जुटाते हैं। इस बाजार के रिपोर्ट्स देखते नेताओं सभाओं की भीड़ देखकर ये लोग अपना सट्टा लगाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और वोटिंग प्रतिशत देखते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सबकी राय एक जैसी हो। फलोदी के इस बाजार में सबको अपने विचार रखने का हक है। कहा जाता है गली गली में घर घर सट्टा खेला जाता है। किसी ने जूता फेंका तो वो सीधा गिरेगा या उल्टा, इस पर भी लोग सट्टा लगा देते हैं। फलोदी के सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। इसका कारोबार करोड़ों में बताया जाता है। कहा जाता है कि रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। फलोदी सट्टा बाजार का गणित उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का फलोदी सट्टा बाजार भाव कम निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रत्याशी कमजोर है। कम पैसे के भाव का मतलब उस प्रत्याशी की जीत संभावना उतनी अधिक मानी जाती है। जब तक जिनके भाव नहीं निकल रहे मतलब उनकी हार संभावना ज्यादा है। कम पैसे के भाव मतलब उस प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है, जबकि जिनके भाव ही नहीं निकल रहे मतलब वह उम्मीदवार चुनावी रेस में ही नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छोकर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके भाव नहीं निकल रहे मतलब स्टोरियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। जीटी रोड से समालखा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से भाजपा के मनमोहन बड़ाना, निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरोली आमने सामने मुकाबले में हैं। तीन दिन से चुनाव गिरने चलते कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छोकर को तो भाव ही नहीं मिल रहा है, मतलब सट्टा बाजार ने धर्म सिंह छोकर को फाइट से बाहर दिखा दिया है। सट्टा बाजार में रविंद्र फेवरेट पर है। सट्टा बाजार में फेवरेट का मतलब जिसके जीतने की ज्यादा कयास होते हैं वह फेवरेट होता है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब कोई सट्टा बाजार में पैसा लगाता है तो एक आदमी बहुत बड़ा रिस्क लेता है और पूरी जांच पड़ताल, समीकरण और उम्मीदवार के चुनाव प्रचार की हवा आदि बातों को ध्यान में रखकर पैसा लगाता है। चुनावी सट्टे के बहुत बार रिस्क भी माना जाता है। ऐसे में सट्टा बाजार की रिपोर्ट के हिसाब से मनमोहन बड़ाना और रविंद्र मछरोली, इन दोनों में किसी की एक तरफा जीत होने वाली है।